देखिए आज के इस क्लास में त्रिकोणमिति फॉर्मूला भाग एक पर बात करते हैं। इससे पहले एक जरूरी सूचना है, 25 सितंबर 2023 से क्लास 11th और क्लास 12th का लाइव क्लास शुरू होने जा रहा है। क्लास का समय है क्लास 12th 10 बजे सुबह, सब्जेक्ट वेक्टर गणित, क्लास 11th 3 बजे शाम, सब्जेक्ट अवकलन डिफरेंशिएशन गणित। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक तथा शेयर करना न भूलें। चलिए क्लास शुरू करते हैं। देखिए फॉर्मूला नंबर 1, साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी। ये यहां क्या है कि दो कोणों का योगफल का साइन है। साइन को हिंदी में जया कहते हैं। इस तरह से दो कोणों के योगफल का साइन का मान बताना है। देखिए साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है। साइन ए प्लस बी सूत्र है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। साइन ए प्लस बी, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। इसी तरह से फॉर्मूला नंबर 2, ये साइन का जोड़ है, साइन का व्यकलन भी होगा अर्थात घटाव भी होगी। साइन ए माइनस बी यानी दो कोणों के अंतर का साइन, दो कोणों के अंतर का साइन, इसका सूत्र होता है साइन ए इंटू कॉस बी, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। साइन ए प्लस बी का मान, साइन ए माइनस बी का मान, सारे फॉर्मूला को एक जगह इकट्ठा करके इतनी बेहतर तरीके से रखा गया है कि आपको याद करने में काफी सहूलियत होगी। और इस फॉर्मूला को हमें पूरा विश्वास है कि आप दो पीढ़ियों तक आसानी से शेयर कर सकते हैं। फॉर्मूला नंबर 3, कॉस, कॉस के दो कोणों का योगफल और व्यकलन, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी सूत्र होता है कॉस ए इंटू कॉस बी जोड़ साइन ए इंटू साइन बी। कॉस ए प्लस बी, कॉस ए इंटू कॉस बी जोड़ साइन ए इंटू साइन बी। फॉर्मूला नंबर 4, कॉस ए माइनस बी, कॉस ए माइनस बी फॉर्मूला होता है कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। इस तरह से कॉस का दो कोणों का योगफल का सूत्र, कॉस का दो कोणों का अंतर का सूत्र। अगला फॉर्मूला है 10 पर। देखिए फॉर्मूला नंबर
पांच, दो कोणों के योगफल का टेन, टेन को हिंदी में स्पर्श जया कहते हैं, इस कॉस को हिंदी में कोज्या कहते हैं, टेन ए प्लस बी, टेन ए प्लस बी, टेन ए प्लस बी का सूत्र होता है टेन ए प्लस टेन बी बटा वन माइनस टेन ए इंटू टेन बी, टेन ए प्लस बी, टेन ए प्लस टेन बी बटा वन माइनस टेन ए इंटू टेन बी। इस तरह से फॉर्मूला नंबर छ, टेन ए घटाओ बी, टेन ए घटाओ बी, टेन ए माइनस टेन बी बटा वन प्लस टेन ए इंटू टेन बी, टेन ए घटाओ बी, दो कोणों के अंतर का टेन, टेन ए माइनस टेन बी बटा वन प्लस टेन ए इंटू टेन बी। ये फॉर्मूला नंबर सेवेन, सात, कोट का दो कोणों का योगफल, कोट ए प्लस बी, कोट ए प्लस बी, सूत्र होता है कोट ए इंटू कोट बी घटाओ वन, कोट ए इंटू कोट बी घटाओ वन बटा कोट ए प्लस कोट बी, कोट ए प्लस बी इक्वल टू कोट ए इंटू कोट बी माइनस वन बटा कोट ए प्लस कोट बी। देखिए फॉर्मूला नंबर आठ, अंतर, दो कोणों के अंतर का कोट, अर्थात कोट ए घटाओ बी, कोट ए घटाओ बी, कोट ए इंटू कोट बी जोड़ एक बटा कोट बी माइनस कोट ए, कोट ए घटाओ बी, आपको साइन में दो कोणों का योगफल और घटाओ, कॉस में दो कोणों का योगफल और घटाओ, टेन में भी दो कोणों का योगफल और घटाओ, कोट में भी दो कोणों का योगफल और घटाओ का व्यंजक प्राप्त हुआ। अगला जो व्यंजक है इसी आधार पर है, सूत्र देखने में कंफ्यूजन उत्पन्न कर देता है, कहीं दोनों एक ही तो नहीं है, लेकिन बिल्कुल दोनों अलग अलग है, एक ही नहीं है। देखिए फॉर्मूला नंबर नाइन, साइन ए प्लस साइन बी, साइन ए प्लस साइन बी, ये साइन ए प्लस साइन बी जो है, कभी ऐसा लगता है कि जो फर्स्ट फॉर्मूला दिया गया है साइन ए प्लस बी और साइन ए प्लस साइन बी दोनों सेम है, लेकिन दोनों सेम नहीं है। ये जो व्यंजक है दो कोणों के योगफल का साइन है, जबकि ये दो अलग अलग कोणों के साइन का योग है, दोनों का मान भी अलग अलग होता है और दोनों का व्यंजक भी अलग अलग होता है। देखिए साइन ए प्लस बी, तो साइन ए प्लस बी का सूत्र होता है साइन ए प्लस बी, इसका सूत्र है ये दो अलग अलग कोणों के योगफल है, तो साइन ए प्लस बी सूत्र होता है साइन
ए प्लस बी बटा दो इंटू कॉस ए माइनस बी बटा दो का दो से गुणा साइन ए प्लस बी, टू साइन दोनों का योग ए प्लस बी बटा दो इंटू कॉस दोनों का अंतर ए माइनस बी बटा दो। इस तरह से साइन ए प्लस बी का यही मान है। चलिए देखिएगा, इनका अंतर फॉर्मूला नंबर 10, अंतर साइन ए घटाओ साइन बी, साइन ए घटाओ साइन बी, इसका सूत्र हो जाएगा टू कॉस ए प्लस बी बटा टू इंटू साइन ए घटाओ बी बटा टू। इस तरह से ये साइन ए माइनस बी का व्यंजक है। चलिए, साइन का अलग अलग कोणों का योग और साइन का अलग अलग कोणों का अंतर, इस तरह से इनके भी होंगे कॉस, उनका योग और उनका घटाओ। फॉर्मूला नंबर 11, 11, देखिए कॉस ए प्लस कॉस बी, कॉस ए प्लस कॉस बी, सूत्र होता है दो कॉस, ये दोनों का योगफल ए प्लस बी बटा दो इंटू कॉस इन दोनों का अंतर ए माइनस बी बटा दो। इस तरह से ये कॉस योग का मान है। कॉस ए प्लस बी, टू कॉस ए प्लस बी बटा दो इंटू कॉस ए माइनस बी बटा दो, इनका भी अंतर होगा। फॉर्मूला नंबर 12, 12, कॉस ए घटाओ कॉस बी, सूत्र होता है टू साइन दोनों का अंतर कॉस दोनों का अंतर का फॉर्मूला, ऊपर में है दोनों का योग का फॉर्मूला, टू साइन ए प्लस बी बटा दो इंटू साइन दोनों का अंतर, ध्यान रखिए कॉस ए माइनस कॉस बी में जो अंतर होता है बी पहले और ए बाद में हो जाता है, और कॉस दोनों है तो साइन में जाता है। थोड़ा इसको ध्यान रखने लायक फॉर्मूला ये सबसे हटकर है। ये जो फॉर्मूला देख रहे हैं कॉस का अंतर, ये फॉर्मूला सारे फॉर्मूला से हटकर है। इसके बाद अगला फॉर्मूला है फॉर्मूला नंबर 13, अर्धक सूत्र। इस जो फॉर्मूला का अभी 13 से चल रहा है वो अर्धक सूत्र कहलाता है। साइन टू थीटा, साइन टू थीटा, साइन टू थीटा के दो व्यंजक हैं, अर्थात इसके दो फॉर्मूले हैं। साइन टू थीटा का सूत्र होता है टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन टू थीटा का मान है टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। देखिए, इस साइन टू थीटा का मान ही
साइन कॉस के रूप में है, जबकि टेन के रूप में भी साइन टू थीटा का मान होता है। तो टेन के रूप में साइन टू थीटा का मान होता है टू टेन थीटा बटा वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इस तरह से देखिए, ये टू थीटा है तो यहां आकर हो गया थीटा, आधा हो गया, इसीलिए इसको अर्धक सूत्र कहते हैं। इसी प्रकार यदि आपके पास साइन थीटा आ जाए, तो साइन थीटा में अर्धक सूत्र का प्रयोग कैसे करेंगे? देखिए ध्यान दीजिए, टू थीटा है तो यहां फॉर्मूला में आ गया थीटा, तो केवल साइन थीटा हो तो थीटा बटा दो हो जाएगी। ये साइन थीटा का सूत्र टू साइन थीटा बटा टू इंटू कॉस थीटा बटा टू। इस तरह से साइन थीटा का जो मान है वो साइन और कॉस के रूप में, टेन के रूप में भी हो जाएगा, इसी आधार पर टू टेन थीटा बटा टू वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा बटा टू, अर्थात साइन टू थीटा का मान साइन और कॉस के रूप में है टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, जबकि टेन के रूप में यही मान टू टेन थीटा बटा वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा है। इसी तरह से साइन टू थीटा का जब मान हमारे पास है तो साइन थीटा का मान भी प्राप्त हो जाएगा। इसको देखते हुए साइन थीटा का मान टू साइन थीटा बटा टू इंटू कॉस थीटा बटा टू, टेन के रूप में हो जाएगा टू टेन थीटा बटा टू बटा वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा बटा टू। देखिए फॉर्मूला नंबर 14, कॉस टू थीटा का अर्धक सूत्र, कॉस टू थीटा। देखिए कॉस टू थीटा के चार अर्धक सूत्र हैं, आपको विश्वास नहीं होगा, सबसे बड़ा ये बिरादरी है, सबका तो एक ही दो होता है, इसका चार है, बिरादरी में सबसे बड़ा है ये सूत्र में। कॉस टू थीटा का मान होता है कॉस साइन दोनों के रूप में, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसी कॉस थीटा का जो सूत्र है केवल कॉस के रूप में, दो कॉस स्क्वायर थीटा घटाओ एक। इसी कॉस थीटा का सूत्र केवल साइन के रूप में, वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा, और इसी कॉस थीटा का सूत्र टेन के रूप में, वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटा वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। सारे फॉर्मूला अर्धक हैं। देखिए कॉस टू थीटा है, हर जगह थीटा हो गया आधा। फिर से समझिए, कॉस टू थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, अर्थात कॉस साइन में आवश्यकता हो तो कॉस टू थीटा को इतना तोड़ेंगे। इसी कॉस का यदि कॉस में आवश्यकता हो तो दो कॉस स्क्वायर थीटा घटा वन, साइन में जरूरत हो वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा, टेन में जरूरत हो वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटा वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार इस कॉस थीटा का फॉर्मूला केवल कॉस थीटा, वो कॉस टू थीटा है तो थीटा भी इसी तरह से आगे बढ़ जाएगा। देखिए कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बटा दो माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटा दो, कॉस साइन के पदों में कॉस थीटा का मान, कॉस के रूप में केवल कॉस के रूप में दो कॉस स्क्वायर थीटा घटाओ एक है तो ये हो जाएगा दो कॉस स्क्वायर थीटा बटा दो घटाओ एक। इसी तरह से साइन के रूप में भी हो जाएगा। देखिए
इसी कॉस थीटा का मान साइन के रूप में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बटा 2 और इसी कॉस का मान टेन के रूप में 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा बटा 2 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा बटा 2। इस तरह से कॉस थीटा का सूत्र कॉस साइन के पदों में, केवल कॉस के पद में, केवल साइन के पद में और टेन के पदों में। देखिए सूत्र नंबर 15। अगला 15 नंबर, टेन। इसके पहले हम लोग पढ़े साइन का अर्धक, कॉस का अर्धक, अब पढ़ेंगे टेन का अर्धक। अर्धक माने आधा। टेन 2 थीटा, ये तो छोटा बिरादरी का है, इसका एक ही मान है। टेन 2 थीटा सूत्र होता है 2 tan थीटा बटा 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा। टेन 2 थीटा का व्यंजक 2 tan थीटा बटा 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार टेन थीटा, सिर्फ टेन थीटा, टेन थीटा हो जाएगा 2 tan थीटा बटा 2 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा बटा 2। टेन 2 थीटा का मान है 2 tan थीटा 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा। इसी तरह से 2 थीटा है तो थीटा हो गया, केवल थीटा होगा, थीटा बटा 2 हो जाएगी। चलिए अगला फॉर्मूला हम लोग देखते हैं, फॉर्मूला नंबर, फॉर्मूला में कमी नहीं है, बहुत सारे फॉर्मूला हैं, कई भागों में इसको बताया जाएगा। भाग एक के अंतर्गत जितना चल जाए, देखिए फॉर्मूला नंबर 16। कभी कभी त्रिकोणमिति में कोण के साथ माइनस लगा रहता है, तो उसको हम कैसे मेंटेनेंस करेंगे। साइन माइनस थीटा, साइन माइनस थीटा, तो साइन माइनस थीटा जो होता है वो माइनस साइन थीटा हो जाता है, माइनस साइन थीटा। साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा। कॉस माइनस थीटा, देखिए कॉस माइनस थीटा, कॉस माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा, केवल कॉस थीटा। कॉस माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। फॉर्मूला नंबर 18, टेन के साथ माइनस, टेन माइनस थीटा, टेन माइनस थीटा होता है माइनस टेन थीटा, माइनस टेन थीटा। अगला 19 नंबर, कॉट माइनस थीटा, कॉट माइनस थीटा, माइनस कॉट थीटा, कॉट माइनस थीटा, माइनस कॉट थीटा। ये 20 नंबर, फॉर्मूला नंबर 20, सेक माइनस थीटा, सेक थीटा, सेक माइनस थीटा, सेक थीटा। फॉर्मूला नंबर 21, कोसेक माइनस थीटा, कोसेक माइनस थीटा, माइनस कोसेक थीटा, माइनस
कोसेक थीटा। चलिए यहां ध्यान दीजिए, त्रिकोणमिति में यदि कोण माइनस हो, कॉस और सेक पर माइनस का प्रभाव नहीं पड़ता है, बाकी सबके साथ जो माइनस है वो गुणांक में आ जाएगी। अगला फॉर्मूला लेते हैं, फॉर्मूला नंबर 22। अभी इसके पहले हम लोग अर्धक सूत्र पढ़े थे, साइन 2 थीटा, कॉस 2 थीटा, टेन 2 थीटा। चलिए इसका क्यू 3 साइन 3 थीटा, साइन 3 थीटा। इसका सूत्र होता है साइन 3 थीटा का, ने 3 थीटा लिखा रहेगा, 2 थीटा 3 थीटा ऐसे करके। ये साइन 3 थीटा का सूत्र होता है 3 sin θ माइनस 4 sin 3 θ। इस तरह से फॉर्मूला नंबर 23, कॉस 3 थीटा। 3 थीटा जो है साइन और कॉस में ही ज्यादातर इस्तेमाल होता है, कॉस 3 थीटा। फॉर्मूला होता है 4 cos q θ माइनस 3 cos θ। देखिए अभी कॉस 2 थीटा की सहायता से एक नया सूत्र प्राप्त कर रहे हैं जिसका बार बार इस्तेमाल आता रहेगा, चूंकि कॉस 2 थीटा कॉस के रूप में 2 cos²θ घटाओ 1 इन होता है, cos²θ बराबर 2 cos²θ माइनस 1। इस माइनस 1 को बराबर के दूसरे तरफ करते हैं तो ये माइनस 1 इधर आ जाएगा, तो ये बनेगा 1 plus cos²θ, 1 plus cos²θ इक्वल टू 2 cos²θ। इस तरह से कभी भी आपको 1 plus cos²θ दिखाई देता है तो इस स्थान पर 2 cos²θ का इस्तेमाल करना है, तो इस सूत्र की सहायता से ये एक सूत्र प्राप्त हुआ। इसको राउंड करते हैं और इसका नाम देते हैं फॉर्मूला नंबर 24। इसी प्रकार देखिए 1 plus cos²θ है तो ये थीटा हो गया है, 1 plus cos θ हो जाएगा, 1 plus cos²θ इस्तेमाल बार बार आएगा ही, कहीं ना कहीं इसको आना ही है। 1 plus cos θ इस स्थान पर प्रयोग करेंगे, 2 cos²θ बटा 2। इसे भी राउंड करते हैं, टू कॉस स्क्वायर थीटा बटा 2। cos²θ का मान 2 cos²θ माइनस 1 से ये दोनों व्यंजक प्राप्त हुआ है, जहां भी cos θ के साथ एक जोड़ या घटाव में आए तो उसको ये मान रखना ही है। आगे देखिए, नाउ एक आप व्यंजक पढ़े हैं cos²θ का, 1 minus 2 sin²θ साइन के रूप में, साइन घटाओ में इसको इधर लाते हैं और कॉस को करते हैं दूसरे तरफ, तो यहां प्राप्त होगा 2 sin²θ बराबर 1 घटाओ cos²θ, 2 sin²θ बराबर ये जाएगा दूसरे साइड में, तो 1 minus cos²θ।
आपको बार बार ऐसा मिलेगा वन माइनस कॉस टू थीटा, जिस जगह पर टू साइन स्क्वायर थीटा का इस्तेमाल करना है। अतः इसको राउंड करते हैं ताकि इस पर बराबर ध्यान बना रहे, और इसका भी नंबर करते हैं फॉर्मूला नंबर 25। इसी तरह से यदि यहां पर थीटा हो वन माइनस कॉस थीटा, तो ये थीटा बटा दो हो जाएगी। दो साइन स्क्वायर थीटा बटा दो, वन माइनस कॉस थीटा, इसे भी राउंड करते हैं। ये दोनों ही फॉर्मूला वन प्लस कॉस टू थीटा और वन माइनस कॉस टू थीटा, इस आधार पर थीटा बटा दो वाला मिला है, और इस आधार पर भी थीटा बटा दो वाला मिला है साइन के रूप में, और ऊपर वाला है कॉस के रूप में। ये दोनों फॉर्मूला पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि ऐसा व्यंजक बार बार आएगा, वन प्लस कॉस थीटा, वन माइनस कॉस थीटा। देखिए फॉर्मूला नंबर 26। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, अधिकतर विद्यार्थी इस सूत्र को जानते भी हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका मान होता है वन, अर्थात साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा दोनों का योगफल एक होता है। यहां से तीन मान प्राप्त होता है। फर्स्ट तो ये खुद हो गया, सेकेंड यदि हम साइन को अलग करना चाहते हैं तो कॉस आकर वन में से घट जाएगी, अर्थात साइन स्क्वायर थीटा वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कभी भी साइन है कॉस चाहिए, तो साइन स्क्वायर थीटा का मान कॉस के रूप में वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हुआ, तो साइन स्क्वायर थीटा का मान हुआ वन माइनस कॉस स्क्वायर, सिर्फ साइन। देखिए, या यदि हमको केवल साइन चाहिए साइन थीटा, तो ये वर्गमूल हो जाता है रूट अंडर वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इस तरह से ये साइन स्क्वायर थीटा का मान वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, या सिर्फ साइन थीटा का मान रूट वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यदि हमें कॉस का मान साइन के पदों में चाहिए, तो यहां से अलग कर लेते हैं, या कॉस स्क्वायर थीटा, यहां भी या डाल दीजिए, समीकरण को हल करते समय किनारे या लिख देना चाहिए। ये वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, या इम्प्लाइज का ये साइन है, या स्क्वायर हटेगा तो स्क्वायर रूट कॉस थीटा अंडर रूट वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। साइन का रूप कॉस के पदों में, कॉस का रूप साइन के पदों में, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है यह फॉर्मूला नंबर 27। टेन और सेक के बीच संबंध, ये वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा सूत्र होता है सेक स्क्वायर थीटा, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा। वन को यदि दूसरे तरफ ले जाते हैं तो एक और नया फॉर्मूला मिल जाएगा जो इसी से उत्पन्न होगा, टेन स्क्वायर थीटा ये जाएगा उधर, सेक स्क्वायर थीटा घटाओ वन। इस तरह से ये टेन स्क्वायर थीटा का मान हुआ सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। कहीं आपको टेन का सेक में जरूरत है तो इस सूत्र का प्रयोग कर लेंगे, सिर्फ टेन यदि आवश्यकता है या सिर्फ टेन चाहिए, तो ये वर्ग हटकर वर्गमूल हो जाएगी रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा घटाओ एक, सेक स्क्वायर थीटा घटाओ एक। इस तरह से फॉर्मूला नंबर
28, कॉट और कौशिक के बीच संबंध, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, सूत्र होता है कौशिक स्क्वायर थीटा। यहां से और भी व्यंजक प्राप्त हो जाएगा, जैसे टेन को इधर करते हैं तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, दोनों का अंतर एक हो जाएगा। तरह तरह का मान आगे पीछे करके निकाला जा सकता है। देखिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कौशिक स्क्वायर थीटा, कॉट का मान यदि प्राप्त करते हैं तो वन जाएगा दूसरे साइड में, तो यहां से कॉट स्क्वायर थीटा का मान मिला कौशिक स्क्वायर थीटा घटाओ एक। कॉट स्क्वायर थीटा का यदि कौशिक स्क्वायर में आवश्यकता है तो यहां से कौशिक स्क्वायर थीटा माइनस वन का प्रयोग कॉट थीटा के स्थान पर कर सकते हैं। देखिए सिर्फ कॉट थीटा इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट कौशिक स्क्वायर थीटा घटाओ एक, कौशिक स्क्वायर थीटा घटाओ एक, पूरा रूट के अंदर है, ध्यान दीजिएगा पूरा रूट के अंदर है। यहां से यदि कॉट को हम इस साइड में ले जाते हैं तो हो जाएगा कौशिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, जिसका मान बचेगा एक, या समीकरण में या प्रयोग कर देना चाहिए। देखिए ये जाएगा दूसरे साइड में, कौशिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, इसको ले गए कौशिक के साथ तो माइनस वन बचा। इस तरह से कौशिक स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा दोनों का अंतर होता है एक। चलिए इसी फॉर्मूला के साथ आज के क्लास को समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे अगली क्लास में अगले फॉर्मूला के साथ।